और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। जवानी जंग अब औरंगजेब वर्सेस सत्ता जिहाद तक पहुंच चुकी है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के लिए आपत्तिजनक बयान दिया है, वहीं देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथों लेते हुए खटमल तक बता दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी उद्धव ठाकरे को लेकर हमलावर है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही महाराष्ट्र का पॉलिटिकल पारा हाई होता जा रहा है और इस हाई वोल्टेज सियासत में मर्यादा की सीमा को लांघते नजर आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ने बीजेपी पर सत्ता जिहाद करने का आरोप लगाया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को खटमल कहा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाह होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळाला आला होता। दरअसल 21 जुलाई को अमित शाह ने पुणे में उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अगाड़ी वाले हैं, और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अमित शाह की इन्हीं तल्ख टिप्पणियों का तीखा जवाब उद्धव ने पुणे में ही जाकर दिया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाया, तो वहीं बीजेपी पर सरकार में रहने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़कर सत्ता जिहाद में शामिल होने का आरोप लगाया। आम्ही औरंगजेबाचे फैन क्लब, मग तुमचं जे काही जे काही चाललंय हा सत्ता जिहाद नाहीये, हा सत्ता जिहाद आहे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर दिए गए अपने बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने किसी एक व्यक्ति को चेतावनी नहीं दी थी, मेरी चुनौती पूरी बीजेपी के लिए थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं खटमलों को चुनौती नहीं देता, खटमलों को मसल कर खत्म किया जाता है। उद्धव के इस बयान के बाद बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता उन पर टूट पड़े हैं, ठाकरे का मानसिक संतुलन बिगड़ने का आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य है। यही उद्धव शाह अगर ये बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी को हम किसी का मुस्लिम किसी का नाम देंगे, तो हमारा सवाल उद्धव जी को है कि अगर आप उनको नाम दे रहे हैं तो आपके प्रचार में लोकसभा के हरे झंडे लेके कौन खड़ा था? आपके प्रचार में बॉम्ब स्फोट का आरोपी जो आपका प्रचार कर रहा था, तो आप किस मुंह से इस बयानबाजी को जन्म दे रहे हैं और अमित शाह जी को बता रहे हैं कि हम उसको ये नाम से पुकारेंगे? शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब औरंगजेब फैन क्लब वर्सेस सत्ता जिहाद की हो चुकी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ऐलान कर रहे हैं कि अब लड़ाई हॉल में नहीं मैदान में होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है, इसीलिए वो ऐसी भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं।